ब्लॉग के साथ आ गई हूँ आपके पास। सो गाइस, आज मैं बेलागुप्पी के सेक्टर पे जो जो मोनेस्ट्री पर जा सकती हूँ सब एक्सप्लोर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम आए हैं गोल्डन टेंपल पर, जिसे नामरोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सो यहाँ पर जाने के लिए एंट्री फीस बिल्कुल नहीं देना पड़ता, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इस मोनेस्ट्री के बारे में अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है। और ये बेसिकली टिबेटन मोनेस्ट्री है और ये निंगमा सेक्ट का मोनेस्ट्री है। और ये मोनेस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है। और ये मोनेस्ट्री बेलागुप्पी पर लोकेटेड है और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है धर्मशाला के बाद। और ये मोनेस्ट्री उनमें से एक है जिन्हें सबसे बड़ा टीचिंग सेंटर मैसूर में जाना जाता है मोनेस्टिक एजुकेशन के लिए। और ये मोनेस्ट्री को पद्मा संभवा बुद्धिस्ट विहारा भी कहते हैं। और इस मोनेस्ट्री में 5000 से भी ज़्यादा मॉन्क्स और नंस रहते हैं। और ये मोनेस्ट्री बहुत ही बड़ा है और इस मोनेस्ट्री का हाइट 40 फीट हाई है। और यहाँ के वॉल पर भी बहुत ही सारा आर्ट किया गया है, जो कि सब भगवान बुद्ध और टिबेटन बुद्धिस्ट माइथोलॉजी को दर्शाया गया है। और ये बहुत ही जाना माना टूरिस्ट प्लेस है वेस्ट मैसूर में। और ये जो स्टूपा है जिसे छोड़तेन भी कहा जाता है, इसके अंदर पेनोरुम्बुचे का रिलिक्स है। और यहाँ पर इस मोनेस्ट्री के कंपाउंड के अंदर ही बहुत ही अच्छी अच्छी कैफे हैं। और आप यहाँ पर गार्डन एरिया भी है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं और बहुत कुछ है यहाँ। सो यहाँ पर अब मैं कैफ़े पे हूँ और ये है कैफ़े का थोड़ा सा ओवरव्यू। और इसके बाद हम गए सेकेंड कैम्प लेक। और इस लेक की खासियत क्या है बोलने से, इस लेक पे बहुत ही सारे फिशेस है, लाइक बहुत ही बड़े बड़े फिशेस। तो इसके बाद हम गए टाशी लुम्पो मोनेस्ट्री में, जो कि थोड़ा हिली एरिया में है और ये भी बेलागुप्पी के अंदर ही लोकेटेड है। सो ये थोड़ा सा हिली एरिया पे है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है ये मोनेस्ट्री। और ये मोनेस्ट्री का हॉलीडे चल रहा था, इसलिए हमें ये मोनेस्ट्री का अंदर जाने नहीं मिला। हॉलीडे क्यों चल रहा था बोलने से, उन लोगों का 45 डेज का मेडिटेशन होता है, तो उसके बाद 10 डेज का हॉलीडे मिलता है। तो मैं उसी 10 डेज में गई, तो इसीलिए मुझे अंदर घुसने को नहीं मिला। सो अभी मैं इस मोनेस्ट्री के बारे में कुछ कुछ बताऊंगी। ये टाशी लुम्पो मोनेस्ट्री तिब्बत का जाना माना मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री पेंचन लामा का है और पेंचन लामा को तिब्बत में दलाई लामा के बाद मानते हैं। और पेंचन लामा और दलाई लामा बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों के रिलेशन भी बहुत ही अच्छे हैं। और क्योंकि उन दोनों के एज में बहुत अंतर है, इसलिए दोनों एक दूसरे के रीइंकार्नेशन को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। और इस मोनेस्ट्री में एक बड़ा सा गार्डन है और मॉन्क्स के लिए स्विमिंग पूल्स है। और यहाँ का जो मॉन्क्स लोग रहते हैं वो घर भी बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी भी है। और इस कंपाउंड के अंदर दो मोनेस्ट्री है, एक जो है जो बहुत पहले बना था टाशी लुम्पो मोनेस्ट्री वो है, और दूसरा है जो नया बनाया गया है। और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके बाद मैं आ गई सेरा जे मोनेस्ट्री पर, जो कि है बेलागुप्पी पे। और ये बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है और इस मोनेस्ट्री पे मुझे अंदर जाने का मौका मिला, क्योंकि बाकी जो टाशी लुम्पो था उस पे तो जाने
नहीं मिला क्योंकि वो मोनेस्ट्री बंद था, पर ये मोनेस्ट्री खुला था तो इसलिए मुझे अंदर जाने को मिला। सो ये मोनेस्ट्री बहुत ही बड़ा है और ये मोनेस्ट्री में 3,000 से भी ज़्यादा मंक्स पढ़ाई करते हैं और यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर रोज़ होते हैं। और इस मोनेस्ट्री में दो हॉल है, एक हॉल में पढ़ाई होता है और दूसरे हॉल में डिबेट होता है। और तो अभी मैं इस मोनेस्ट्री का कुछ हिस्ट्री के बारे में बोलूँगी। लाइक टिबेट में 3 मोनेस्ट्री को सबसे ज़्यादा मानते हैं और उसका नाम है सेरा, डेबुंग और गानदेन। सेरा जे मोनेस्ट्री जो वही सेरा का एक हिस्सा है और यहाँ पर बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ मॉन्क्स टिबेट से ही नहीं, लद्दाख से, सिक्किम से और अरुणाचल से भी है। और यहाँ भूटान, नेपाल, यूरोपियन, अमेरिकन कंट्री से भी है। और यहाँ मंग्स नालंदा परंपरा के आधारित बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में पढ़ाई करते हैं। सेरा जे मोनेस्ट्री को कुंगेन लोडे रिंचिन संगे ने फाउंड किया था। और ये मोनेस्ट्री गेलुक मोनेस्ट्री है। गेलुक एक सेक्ट है, टिबेटन में 4 सेक्ट होते हैं, उसमें से एक सेक्ट गेलुक है, तो ये गेलुक सेक्ट का मोनेस्ट्री है। और गेलुक सेक्ट को लामा लोबसांग दाकपा, जिसे जे चोंगाबा भी कहते हैं, उन्होंने फाउंड किया था। और बेलाकुपे के अंदर सेरा में 2 मोनेस्ट्री है, एक है सेरा जे और एक है सेरा में। तो मैंने सेरा जे तो घूम लिया पर सेरा में जाने को नहीं मिला। सो होप सो यू गाइस विल लाइक माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।